ने अपने घर में ढोकरी बनाई। जी हाँ, ढोकरी बनाई डिफरेंट तरीके से, जो हम लोग बनाते हैं गोश्त में, फिश में। तो मैंने इसो की जो ड्राई फिश होती है इसमें बनाई, और घर वालों ने भी बहुत पसंद किया। बिल्कुल सूप की तरह होती है, आप ऐसे इसको चम्मच के साथ खा सकते हैं। इसके लिए आपको रोटी की और चावल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इसको खा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ढोकरा या ढोकरी की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, रक्षी की किचन में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। मेरा नाम रुखसाना बरोई है, और आज मैं बिल्कुल डिफरेंट एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हमारे यहाँ बनाई जाती है। हम लोग उसको ढोकरी बोलते हैं, और कुछ मेहमान लोग उसको ढोकरा बोलते हैं। कुछ लोग उसको गोश्त के साथ, मीट के साथ बनाते हैं, मीट हो या, और कुछ लोग इसको फिश के साथ बनाते हैं, ड्राई फिश के साथ होती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सूप की तरह ही बनता है। और इसको, इसमें आप रोटी की या आप चावल के साथ नहीं खा सकते, आप इसको से डायरेक्ट इसे सूप की तरह ही पी सकते हैं। इसको ये 2 कप में बाजरे की लूंगी, और इसमें ये है, सबसे पहले है सफ़ेद जीरा पिसा हुआ, ये सूखा धनिया है मेरे पास, और नमक, ये नमक आ गया, और ये लाल मिर्च आ गई। तो सबसे पहले हम इसको आटे को गूंदते हैं। मैं 2 कप आटा दे रही हूँ, और इसमें सब मसाले डाल के मैं अब इसको गूंदूंगी। ये 1 कप चला गया। अगर आपके पास राइस, रेड राइस जो लाल चावल का आटा अवेलेबल है, आप उसका भी बना, एक्चुअली बनता है उसी का है, और कुछ लोग बाजरे के आटे से भी बनाते हैं। तो मेरे पास ये आज था, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बना के खाऊं, तो मेरे पास था ऑलरेडी, तो मैं कहा चलो आप लोगों के साथ भी मैं भी शेयर करूँ ये इसमें। तो 2 कप इसमें ही चले गए बाजरे का आटा। अब इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक और सुर्ख लाल मिर्च, ये तेज लाल वाली मिर्च है। इसके बाद आटा गूंदने के बाद जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। चलो हम सबसे पहले आटा गूंदते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा सा उसका, मैंने हाथ अच्छी तरह धो लिए हैं, आप भी अपने और हाथ को धोकर और इस्तेमाल करें। वैसे भी आजकल हर चीज़ में बड़ी एहतियात करनी पड़ रही है हम लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। जो ढोकरी का मसाला है वो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और सबसे पहले तो मैंने आधा कप मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आप ये देखेंगे, सूखी फिश देखें आप, ये छोटी छोटी सी, ये यहाँ पर चाइनीज स्टोर में इजीली मिल जाती हैं, तो मैं वहाँ से कभी जाना होता तो ख़रीद के आती हूँ। जो भी आपको अवेलेबल हो सकता है, बाज़ लोगों को उसका फ्लेवर अच्छा ना लगे, तो आप इसकी जगह गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड टू यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। और ये कुछ अदद मैंने, 2 अदद आलू लिए हैं मैंने, 4 हरी मिर्चें और 1 पूरी लहसुन की गड्ढी मैंने ली है, मैंने वो मैंने को बारीक से पीस लिया है, 1 अदद प्याज जाएगी, ये थोड़ी इमली का पानी है, और ये वहाँ पर मैंने एक वेजी ली है। आपको जो भी सब्जी अच्छी लगती है आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये इसमें गाजर है, तूरी है, और गोभी है, मटर है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर बीन्स हैं जो कहते हैं सोया बीन्स, वो हैं आपके पास, जो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा फ्लेवर सब्जी का अच्छा लगता है, सेम की फली अच्छी लगती है जो भी। और मसालों में तो सबसे पहले ये है लौंग का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सूखी मेथी, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, सूखा धनिया मैंने ज़्यादा लिया, 2 चम्मच जितना लिया है, और मैंने तकरीबन 1 चम्मच में नमक का लिया है। तो सबसे पहले हम ऑयल को गरम करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज मिला दिया है, इस प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन रखूंगी, ज़्यादा मुझे इसको नहीं गोल्डन नहीं करना। यहाँ पे प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मुझे इस टाइप की प्याज चाहिए। अभी इसमें मैं बकाए मसाले जो मैंने आपको बताया थे वो डालूंगी, इसमें लहसुन और हरी मिर्च, ये चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर जो मसाले मैंने आपको बताया थे वो सब जाऊंगी डालूंगी इसको, बिस्मिल्लाह।
चलेंगे। साथ साथ मैंने इसके अंदर आलू भी डाल दिए। अब इसके थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी मैं। ताकि थोड़ा मसाला है इसका जो कच्चा खत्म हो जाए, थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं सब्जी फिश वगैरह मैं इसमें मिलाऊंगी। ये फिश है, इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। आप भी जब यूज करें तो उसको पहले अच्छी तरह धो लें, इसके बाद डालें इसमें। इसके अंदर मैंने ये सब्जी जो आपको बताई थी, मैंने आपकी मनपसंद सब्जी जो भी आपको अच्छी लगती है आप यूज करें इसके अंदर। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश यूज करें, मेरे पास फ्रेश नहीं है तो इसलिए मैं फ्रीजर वेजी यूज कर रही हूँ। ये इसमें चला गया, मसाले को भी अच्छी तरह से थोड़ा मिला लें। और उसमें हम तकरीबन आधे से एक गिलास तक में पानी कम डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा शोरबा सा बन जाए। और इसमें जो आटा हमने किया था उसके मैं बनाऊंगी किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी जब आलू थोड़े गल जाएंगे इसके अंदर तो। और इमली का पानी वो और हरा धनिया मैं बाद में यूज़ करूँगी। जो चलो फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद, और जब आलू गल जाएंगे इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पे आलू तकरीबन 50% गल चुके हैं और मजीद आलू जो मैं डालूंगी डो बना के इसके अंदर उसमें फिर सब गल जाएंगे कंप्लीट। उसमें थोड़ा मैंने आधा गिलास पानी और मजीद मिला दिया है इसके अंदर। और अभी इसके अंदर इमली का जो पानी मैंने आपको बताया था वो तकरीबन डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये इमली ज़्यादा खट्टी नहीं होती, अगर आपके पास ज़्यादा खट्टी हो तो आप कम मिलाएगा, ये बहुत हल्की लाइट से खट्टापन इसके में आता है। अब थोड़ा इसमें उबाल आ रहा है आस्ते आस्ते तो अब मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा मैं चूल्हा को हाई कर रही हूँ, फ्लेम को हाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे तेज फ्लेम में डालना है इसके अंदर। और ये जो आटा मैंने आपको बताया था, जब आटा मैंने गूंदा था अभी ये बनके बिल्कुल आप देख सकते हैं दो रेडी है। अभी इसको मैं बना बना के इसके अंदर डालूंगी। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह के रोटी जैसा शेप देते हैं या आप उसको मुट्ठी बंद करके से शेप दे जाता है जैसे, तो वो दे रहे हैं वो डिपेंड आप पे करता है। मैंने यहाँ पे लीमू जितने साइज का लिया है मैंने, और उसको मैं ऐसे करके ये देखिए ये ऐसे टाइप के मैं बनाऊंगी लंबे लंबे से। बस इसको आप डालते ही जाए, बना बना के डालते ही जाए, और ये तकरीबन आई थिंक 10 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जो आलू कच्चे रह गए थे आधा, मैंने आपको बताया जैसे आधे आलू गले हैं, इसमें आलू कच्चे तक गल जाएंगे। बाद में मैं इसके अंदर हरा धनिया और थोड़ा पुदीना भी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। हमारी आज की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है, और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।